मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पेश कर दी है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट 200 से अधिक पन्नों की है। यह सर्वे 2022 में शुरू किया गया था, जो तकरीबन 98 दिन तक चला था। इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि भोजशाला वाग्य देवी का प्राचीन मंदिर है या कलाम मौला मस्जिद। बता दें कि अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई 22 जुलाई को करेगी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक संगठन की अर्जी पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को ASI को भोजशाला कलाम मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। इसके बाद 22 मार्च से इस विवादित परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने में ASI ने 4 हफ्तों की मोहलत की मांग की थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 10 दिन की मोहलत देते हुए सर्वे की रिपोर्ट 15 जुलाई मतलब आज सोमवार तक पेश करने की बात कही थी। सनातन धर्म की जय, माता सरस्वती की जय। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। मई 2022 में जो यह याचिका लगी थी, जिस पर 11 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 22 मार्च से धार भोजशाला में ASI द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण चालू हुआ, उत्खनन का काम हुआ, साथ ही GPS GPR हुआ। 98-डैश तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। जो जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है और जिसके कॉपी हमारे वकील साहब को भी मिली है। मीडिया में जानकारी देने के लिए माननीय वकील साहब ने, माननीय जज साहब ने रिपोर्ट की मीडिया के अंदर जानकारी सार्वजनिक नहीं हो, इस बात के लिए हमें आदेशित किया है। किंतु हमें पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमारकालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए, 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले, ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से। और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। आशीष गोयल याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण। सूत्रों के अनुसार भोजशाला के ASI सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। इस आधार पर हिंदू पक्ष यह दावा कर रहा है कि अदालत द्वारा इसे राजा भोज द्वारा स्थापित वाग्य देवी का प्राचीन मंदिर ही माना जाएगा। हालांकि ASI की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए ASI की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा किया गया है, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बताते चलें कि सर्वेक्षण के दौरान 1700 से अधिक कलाकृतियां उजागर हुई हैं, जिनमें कई मूर्तियां, संरचनाएं, स्तंभ, दीवारें और तमाम चित्र शामिल हैं। ASI ने परिसर की खुदाई के दौरान पाए गए पत्थरों, खंभों का कार्बन डेटिंग सर्वेक्षण भी किया है। संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए और हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है। दरअसल हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोज कालीन इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर मानते हैं।
हिंदुओं का तर्क है कि भोज परमार राजवंशों के काल में यहां कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुस्लिम इसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। अब इस पूरे मामले पर अदालत क्या फैसला सुनाता है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है, तो इंतज़ार कीजिए अदालत के फैसले का। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।